Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कोरोना टेस्ट के लिए घंटों इंतजार, कंजर्वेटिव रहनुमा कैनेडियन हुकूमत पर बरस पड़े। ऑन्टेरियो हुकूमत ने सूबे के कुछ इलाकों में इज्तिमात की हद में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी अरबपति की जानिब से करंटीना के उसूलों की खिलाफ वर्जी, कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का वजाहती बयान सामने आ गया। कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,867 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,03,83,446 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,51,177 हो गई। अमेरिका के साहिल से टकराने वाला तूफान सैली कमजोर पड़ गया, सुसरबी से गुजरने वाले इस तूफान ने कई इलाकों में लगातार 16 घंटे तक बारिश बरसाई। जिंसी हरासानी के इल्जाम ने ट्रंप का पीछा न छोड़ा, साबिक मॉडल ने इल्जाम आयद कर दिया। जो बाइडन ने ट्रंप का कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया, जो बाइडन ने अमरीकी आवाम को खबरदार किया है कि वो सदर के अल्फाज पर यकीन ना करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फॉर्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर एरिन ओटूल ओटावा में कोरोना वायरस की टेस्ट साइट पर अपने अहलखाना के हमरा घंटों इंतजार के बाद टेस्ट होने के बाद लिबरल हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर एरिन ओटूल ओटावा में कोरोना वायरस की टेस्ट साइट पर अपने अहलखाना के हमरा घंटों इंतजार के बाद टेस्ट होने के बाद लिबरल हुकूमत पर बरस पड़े। एरिन ओटूल ने नामालूम ओटावा टेस्टिंग सेंटर के बारे में कहा कि टेस्ट के लिए लाइन में इंतजार करते हुए मुझे हैरत का सामना करना पड़ा कि कितने खानदान हमारे जैसे ही इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को टेस्ट करवाने के लिए स्कूल से घर भेज दिया जाता है और माँ बाप के लिए उन्हें पुरसकून रखना मुश्किल तर हो जाता है। एरिन ओटूल का कहना है कि ट्रूडो लिबरल्स ने कोरोना टेस्टिंग के दिगर मौसर तरीकों की मंजूरी से इनकार करके ये मसला पैदा किया है। हमारे तमाम इत्तेहादियों ने कई महीनों से कोरोना टेस्टिंग के दिगर मौसर तरीके अपना रखे हैं, जिनमें वक्त की बचत भी है और ये तरीका भी कम नागवार है। ओटूल, इनकी अहलिया और इनके दो बच्चों का क्यूबेक में टेस्ट किया गया, जो मेम्बरान पार्लियामेंट और उनके अहले खाना के लिए तरजीह जांच की सहूलत मुहैया करता है। कंजर्वेटिव रहनुमा वायरस की तशखीस के लिए ओटावा की एक टेस्टिंग साइट पर गए थे, जहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वाज़ह है, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर के अमले के एक रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था, जिसके साथ ओटूल ने गुज़श्ता हफ्ते क्यूबेक का सफर भी किया था। ऑन्टेरियो के प्रीमियर की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो, ओटावा और पील के इलाकों में जुम्मे के रोज से खुले आसमान तले इज्तिमात की हद 25 अफराद, जबकि चार दीवारी में ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद इकट्ठे हो सकेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ऑन्टेरियो हुकूमत ने सूबे के कुछ इलाकों में इज्तिमात की हद में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि टोरंटो, ओटावा और पील के रीजन में जुम्मे के रोज से खुले आसमान तले इज्तिमात की हद 25 अफराद, जबकि चार दीवारी में ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद इकट्ठे हो सकेंगे। फोर्ड का कहना है कि इज्तिमा की नई हदूद का इतलाक रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम और कन्वेंशन सेंटर जैसी जगहों पर नहीं होगा। फोर्ड ने कहा कि नई इज्तिमाई हदूद का इतलाक उन इलाकों और साथ ही स्कूलों पर भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास वाकई में सख्त प्रोटोकॉल नाफिज किए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा हद से ज़ायद इज्तिमा की मेजबानी करने वाले अफराद के खिलाफ नए जुर्माने भी नाफिज किए जा रहे हैं। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बेरियर का कहना है कि अमेरिका के अरबपति शख्स को कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के गलत फैसले के बायस 14 दिन के संगीन कायदे की पैरवी किए बगैर कनाडा में दाखिले की इजाजत दी गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बिलियर का कहना है कि अमेरिका के अरबपति शख्स को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के गलत फैसले के 22-14 दिन के संगीन कायदे की पैरवी किए बगैर कनाडा में दाखिले की इजाजत दी गई थी। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि विस्कॉन्सिन से ताल्लुक रखने वाली अलाइन इनकॉर्पोरेशन के सदर और सीईओ ने 25 अगस्त को ऑन्टेरियो में अपनी कंपनी के एक मरकज का दौरा किया और इसके लिए वो अपने निजी तैयारी के जरिए टोरंटो पहुंचे। इस खबर के जारी होने के बाद हुकूमत को तनकीद का सामना है। तमाम हुकूमती बुजुर्ग का कहना है कि हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि ये फैसला बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अफसरान की जानिब से दस्तयाब मालूमात की रोशनी में किया गया, तहम ये एक गलत फैसला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वफाकी वजीर बिलबेरे का कहना है कि अलाइन एग्जेक्टिव्स को किसी खास दाखिले से मुस्तसना नहीं फराम किया गया था और न ही किसी कौमी मफाद में छूट थी, ये कोई सियासी फैसला नहीं था। उनका कहना था कि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अफसरान की जानिब से फराम करदा मालूमात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया जो गलत था। अलाइन एग्जेक्टिव्स को करंतीना कवायद की पैरवी के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल बिलियर का मजीद कहना था कि उनकी हुकूमत बॉर्डर सर्विस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके इस तरह के वाकयात दोबारा पेश न आए। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9202 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,867 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,202 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 66,356 हो गई जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,791 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,674 तक जा पहुंची है। सूबे में होने वाले अफराद की तादाद 2,825 है। अल्बर्टा में 16,274 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि 254 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 7,663 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 220 है। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते पूरे यूरोप से तकरीबन 3,00,000 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते पूरे यूरोप से तकरीबन 3,00,000 नए केसेस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,03,83,446 तक जा पहुंची है जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,51,177 हो गई। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है जहाँ इस वायरस से अब तक 2,02,237 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 68,74,126 हो चुकी है। 1,38,00,000 से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है जहां कोरोना से 84,400 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 52,14,667 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है जहां ये वायरस 1,35,031 जिंदगियां निगल चुका है जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 44,57,300 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 18,785 हो गई जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,73,443 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 4,881 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया जबकि यहां 3,45,805 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,881 रिपोर्ट हुई हैं जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,28,144 तक जा पहुंची है। अमरीकी रियासतों अलबामा और फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में तबाही मचाने वाला समंदरी तूफान सैली कमजोर पड़ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासतों अलबामा और फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में तबाही मचाने वाला समंदरी तूफान सैली कमजोर पड़ गया। गुज़िश्ता रोज कैटेगरी 2 के समंदरी तूफान ने तेज हवाओं और तूफानी बारिशों के साथ अलबामा और फ्लोरिडा के साहिली इलाकों को कई फीट सैलाबी पानी में डुबो दिया। सुस्त रवि से गुजरने वाले इस तूफान ने कई इलाकों में लगातार 16 घंटे तक बारिश बरसाई, कहीं कहीं 2 फुट से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तूफान के बायस कई इलाकों में बिजली की लाइनें और दरख गिरने से रास्ते बंद हो गए। शदीद मुतासर इलाकों में कर्फ्यू लगाकर पानी में फंसे सैकड़ों अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5,00,000 के करीब लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। तूफान के जेर असर जॉर्जिया और कैरोलिना के साहिली इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बारिशों और सैलाबी सूरतहाल की पेशगोई की गई है। तूफान का रुख जॉर्जिया और शुमाली जनूबी कैरोलिना के साहिलों की जानिब है। तूफान से मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स हलाक और 1 लापता है। साबिक मॉडल एमी डॉरस ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम ऐसे वक्त में लगाया है जब उनके दूसरी बार सदारत के इलेक्शन में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
सदर बनने के 4 बरस बाद भी जिंसी हरासानी के इल्जाम अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहे। साबिक मॉडल ने इल्जाम आयद किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 1997 में जिंसी तौर पर हरासा किया था। साबिक मॉडल एमी डोरेस ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम ऐसे वक्त में लगाया है जब उनके दूसरी बार सदारत के इलेक्शन में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। एमी डोरेस ने बरतानवी अखबार को बताया कि 1997 में न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपने कमरे में जिंसी हरासा किया। डोरेस का कहना था कि इस वक्त वो 24 बरस की थी। सदर ट्रंप के वकील ने इल्जाम की सख्ती से तर्दीद की है। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को इससे पहले भी एक दर्जन से ज्यादा खवातीन की जानिब से ऐसे इल्जाम का सामना रहा है जिनमें जिंसी ज्यादती के इल्जाम भी शामिल हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमरीकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन के जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमरीकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। पेंसिल्वेनिया में टीवी मुहायसे में गुफ्तगु करते हुए डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमरीकी आवाम को खबरदार किया है कि वो सदर के अल्फाज पर यकीन ना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो वैक्सीन से मुतालिक सदर ट्रंप की बजाय साइंसदानों की बात सुनेंगे। अमरीकी सदर ने कहा है कि 3 नवम्बर के सदारती इंतखाबात से पहले COVID-19 से बचाव की वैक्सीन तकसीम कर दी जाएगी। अमरीकी सदर ने 3 माह कबल कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा किया था। उन्होंने वैक्सीन को महफूज देते हुए कहा था कि 20 लाख डोसेस फरहमी के लिए तैयार हैं। ट्रंप का यह भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भी फरहम करेंगे। ताहम अब उनके सदारती हरीफ ने ही उनका यह दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे अमरीका में कोरोना वायरस से 2,02,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं जबकि मुतासरीन की तादाद 68,74,000 से भी बढ़ गई है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.